हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी एनएचएम सीएचओ के लिए को लेकर एक अपडेट आ गई है, जिसमें अपडेट को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें देख सकते हैं एक आर्टिकल छपा हुआ है, ये कल का आर्टिकल है, लगभग सारे पेपर में पब्लिश हुआ है, अमर उजाला, दैनिक जागरण सभी पेपर में। तो इसमें लिखा क्या गया है ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ पढ़ के, फिर आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये अपडेट तभी कोई न्यूज़पेपर वाले पब्लिश कर पाते हैं जब उनको कोई अपडेट मिलता है बोर्ड या संस्था से। जैसे कि इसमें बोर्ड या संस्था के द्वारा जब न्यूज़पेपर को आर्टिकल को दिया गया होगा तभी ये पब्लिश हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा क्या गया है, 5,505 सीएचओ की भर्ती जल्द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होगी तैनाती। एनएचएम द्वारा दी की जा रही भर्ती प्रक्रिया जल्द की जाएगी पूरी, मतलब बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अपडेट दिया जा रहा है तो इससे लगता है कि इस पे काम हो रहा है, काम होने की वजह से इसमें मतलब अपडेट दिया जाता है। जैसे कोई काम होता है संस्था में तभी उस चीज़ का अपडेट जो है किसी न्यूज़पेपर या अखबार वालों को अपडेट दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखा गया ये चीज़ पहले पढ़ के देख लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं जो और भी जानकारियाँ हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसमें देख सकते हैं लिखा गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जल्द होगी 5,505 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की तैनाती की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश द्वारा इनकी भर्ती की जा रही है। सीएचओ के कार्य लोगों को प्राथमिक उपचार में मदद करना एवं गर्भवती को उचित उचित सलाह देना और जरूरत पड़ने पर इलाज में मदद करना। वहीं ब्लड शुगर, मलेरिया एवं हीमोग्लोबिन की जांच भी इन सेंटर पर कराई जाएगी। प्रदेश में 13,700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जल्द और नए सेंटर जो है खोले जाएंगे। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 21,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उच्चीकृत कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। सीएचओ के माध्यम से स्वास्थ्य योजना को बेहतर ढंग से लागू कराया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संविदा पर तैनाती सीएचओ की 25,000, मतलब ये मानोदय की बात कर रहे हैं, जो 25,000 मानसिक मानोदय, 15,000 इंसेंटिव दिया जाएगा, कुल मिला के कुल यानी 40,000 प्रति महीने एनएचएम द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल नए सीएचओ की तैनाती होने से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। बीते एक वर्ष में जिन सीएचओ द्वारा नौकरी छोड़ी है उनके उक्त रिक्त पदों पर भी सीएचओ की तैनाती की जाएगी। यानी कि जो अभी भर्ती हो रही है ये न्यू तरीके से हो रही है, जो सीएचओ की पद खाली है, जो छोड़ दिए या फिर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई पोस्ट में, तो उनकी भी भर्ती बहुत ही जल्द जारी होगी। तो मतलब अभी सीएचओ में काफ़ी पोस्ट खाली हैं, आप देख सकते हैं इसमें बताया भी गया है कि 21,000 प्राथमिक उपचार जो है नया उच्चकृत खोले जाएंगे, मतलब और भी सेंटर बनाए जाएंगे बताया जा रहा है। तो जैसे ही सेंटर बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वैकेंसी होगी, तो काफ़ी वैकेंसी आने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल तैयारी भी करते रहें, जिनका हो जाएगा उनका तो भाई बेहतर है, लेकिन जिनका नहीं होता है उनके लिए यही सलाह है कि आप बिल्कुल तैयारी करते रहें और बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलता है, जिस तरह से ये अपडेट मिला, ये अपडेट थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया कि यूपी पेट का एग्ज़ाम के वजह से, पेट में जिस तरह देख सकते हैं किस तरह से भीड़ वगैरह थी, तो पहुंचने में थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिला। नहीं तो आपको अपडेट बहुत जल्द मिल जाता है, कोई भी अपडेट हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।